लिए खुशखबरी खुशखबरी और खुशखबरी। बिहार में डीजल और पेट्रोलों की कीमत में सीएनजी पीएनजी और इसके साथ एलपीजी सिलेंडरों की कीमत की भी सस्ती आकलन और उम्मीद जताई गई। खबर सामने निकल कर आई कि अब पेट्रोल पंपों पर आपका दांत खट्टा नहीं होगा, यानी आपके गाड़ी में पड़ने वाले डीजल और पेट्रोल की कीमत महंगी नहीं होगी और ऐसे में खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। पर आज की यह खुशखबरी जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमारे लिए सपोर्टिव और परिवर्तित होता है। ऐसे में आज इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 5000, उम्मीद है पूरा जरूर कर देंगे। दरअसल मिली खबर के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के अनोखी बातें सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल ही चिंता की सबसे बड़ी सबक बनती चली जा रही है। इस डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए न जाने कई बार प्रयास तो किए गए पर प्रयास असफल रहा। वहीं आज की मिली एक नई जानकारी के मुताबिक गया से लेकर के मधेपुरा लगातार पटना से लेकर के हाजीपुर से लेकर तमाम अनेक जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमत सस्ती देखने को मिली। पेट्रोल और डीजल 97 रुपये, वहीं डीजल की कीमत जो है वो 93 रुपये आकी गई। इस डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आई बड़ी अंतर ने भी लोगों को चौंकाया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों से लगातार लोगों को राहत की सांस मिलती नजर आई। लगातार लोग जो है वो राहत की उम्मीद लेते नजर आए। ये राहत की सांस नहीं तो और क्या है। देश में डीजल और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस पर अंकुश लगा पाना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन एक समय के साथ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आई कमी ने साफ तौर पर कई नई बातों को दर्शा दिया है, कई नई बातों को बता दिया है। अब ऐसे में डीजल और पेट्रोल की आकलन और उम्मीद भी आज कहीं ना कहीं सस्ते पेट्रोल के तौर पर की जा रही है। देश में डीजल और पेट्रोल जो है वो लोगों का दांत खट्टा करता नजर आ रहा था, वहीं बिहार में भी अब जो है 107 रुपये नहीं बल्कि और भी सस्ता पेट्रोल आपको देखने को मिलने जा रहा है। और इसके साथ डीजल ना सिर्फ 93 रुपये बल्कि 90 के नीचे भी आ सकता है, क्योंकि चुनाव में भले प्रभाव पड़ा या ना पड़ा पर जनता का अब रिक्वेस्ट नीतीश कुमार जरूर सुनने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था। कई बार ये प्रस्ताव रखे जाने के बाद डीजल पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं दर्ज हुई, लेकिन इस बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आने वाली कमी के साथ अनेकों बात जो है वो सामने निकल कर के आ रही है। यानी साफ तौर पर अगर कहा जाए तो बिहार की राजनीतिक में इसकी भी एक अलग पहचान होने जा रही है। पेट्रोल और डीजल क्योंकि महंगे तौर पर लोगों को चिंता वाली स्थितियों में डाल दिए देते थे, तो अब इसकी राहत की सांस देने के लिए प्रयास अनेकों बार किया जा रहा है। अब खैर, अब अपनी राय तो कमेंट में आप अक्सर रखते ही हैं, इस बार भी कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिएगा। आपकी बातों का इंतजार रहेगा। जय हिंद।